यो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। यस गाइस हम लेके आ चुके हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक न्यू एपिसोड, जिसमें आज के इस वाले एपिसोड में हम फाइनली खेलने वाले सोलो। यस गाइस आज से हम खेलने वाले सोलो, मतलब सोलो की मेरे पहले से सीरीज स्टार्ट थी बट बीच में मैंने सोलो के वीडियो डालना बंद कर दिए थे। सो कोई ना गाइस अब हम वापस आ चुके हैं, हम वापस अब सोलो की वीडियो डालने वाले हैं। और देख सकते हो मैंने मेरा बेस जो इस वाले आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया, जो मेरा वहां पे जो बेस था वहां से मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। और देख सकते हो मेरे डायनो मैंने सारे के सारे पे लगा दिए, मतलब थेरिजिन हो गया, ब्रोंटो हो गया, जो मैंने पकड़े थे और जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाए थे, सॉरी फॉर दैट। और ये देख सकते हो हमारा मैक्स लेवल का स्पाइनो, देख सकते हो 248 का हो चुका। और ये देख सकते हो हमारा अर्जेंट टेविस, तो यहाँ पे मैं देख सकते हो सारे के सारे डायनोस अपने यहाँ पे लगा दिए। और ये सबसे पहला पेटी है गाइस, देख सकते हो मेरा सबसे पहला डायनो जो यहाँ पे मैंने पकड़ा था। सो अभी क्या कहते हैं, अभी इसका लेवल अप आया तो इसका सारा लेवल मूवमेंट स्पीड पर डाल देते हैं। और क्या करते हैं देख सकते, मतलब सारे के सारे डायनो मैंने लाइन से लगा दिए। और आज के इस वाले एपिसोड में गाइस, आज के इस वाले एपिसोड में हम जो है टेम करने वाले वुली राइनो को। यस गाइस जैसा कि पिछले डंजन में इस वाले डंजन में वुली राइनो की एक रूम थी जिसमें हमें वुली राइनो मिलने वाले थे, मतलब ईरी वुली राइनो थे। सो मैं उन वुली राइनो की रूम में गया, वहाँ से मैंने एक वुली राइनो को मारा, वहाँ से उसका इम्प्लांट लिया और मैं वहाँ पर मर के वापस यहाँ पर आ गया। सो अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम इसका लेवल अप भी कर दिया है। सो आज के इस वाले एपिसोड में वुली राइनो ही टेम करने वाले। सो ईरी है मतलब 135 का वुली राइनो होगा। सो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होगी उसकी 135। वैसे मिलना तो ऐसे ढूंढ के मिलना बहुत टफ है, इससे अच्छा मैंने सोचा भाई डंजन से क्यों ना मैं ले आऊँ उसे। और ये देख सकते हो मैंने बीमोत की लाइक गेट्स लगा दिए चारों ओर से डिज़ाइन के लिए, और मतलब काफ़ी बढ़िया दिख रहा है मेरा बेस अभी फिलहाल तो। और डीके भाई ने भी अपना बेस कुछ इस प्रकार ही मतलब क्रिएट किया है। सो तो ये ब्रोंटो का लेवल कितना है, 55 छिंद, इससे हाई लेवल का मैं पकड़ूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ दूसरा ब्रोंटो पकड़ लूँ। और देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डिओडॉन का भी इम्प्लांट है, डिओडॉन का जो इस वाले डंजन में आया है। सो मैं डिओडॉन को नहीं, आज हम वुली राइनो को टेम करने वाले हैं। आज के इस वाले एपिसोड में हम जो टेम करने वाले वुली राइनो को, और वुली राइनो के फायदे इतने अच्छे हैं ना तो मैं क्या बताऊँ। वुली राइनो का डैमेज लिटरली बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल लाइक किसमें ट्रैक से 100 गुना ज़्यादा वो डैमेज देता है। सो अभी क्या करते हैं, अभी इसको क्या करते हैं रिवाइव करते हैं। यस गाइस सो अभी क्या करते हैं, इसके ये एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी एक्सेस हो जाएगा मेरे मुताबिक, मैं ऑप्शन नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मूसासोर है जो क्रोनिकल करके रखा था, मैं भूल गया था यहाँ से निकालना। सो अभी क्या कहते हैं, यहाँ से अपना मूसासोर ले लेते हैं, और मूसा नहीं बैसोलोसोरस है, सॉरी बैसोल मेरी जबान पे आ गया मूसासोरस गलती से, मैंने मूसासोर अब तक पढ़ लिया बैसोलोसोरस है। और बैसोलोसोरस की वीडियो चाहते तो चैनल पर मिल जाएगी तुम लोगों को, जो बैसोलोसोरस की वीडियो है। और ये क्रोनिक मतलब ये रिकॉल क्यों नहीं हुआ, बस साले नल्ले रिकॉल हो जा भाई, मेरे एम्बर वेस्ट होने नहीं चाहिए। ओके एम्बर तो नहीं वेस्ट हुई, ओके अब हो जाएगा आई थिंक सो रिकॉल एम्बर का ही तो समझ आना आपका। ओके हो गए, ये अब रिकॉल हो रहा है, मैं रिकॉल नहीं भाई रिकॉल हो रहा है। सो अब इसको जिंदा कर रहे हैं हम। सो अभी इसको भाई क्या ही इमोट, भाई आते ही इमोट मारना जरूरी है क्या? ओके हेड पे पड़ा भाई, मैं शॉकिंग डार्ट इस्तेमाल करने वाला होगा। यस गाइस अभी जो है मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ शॉकिंग डार्ट जो मैंने बना लिए हैं, मतलब बनाए हैं मैंने, पाँच ही बना पाया हूँ भाई, मेरे पास बायोटॉक्सिन की कमी थी इसलिए मैं ज़्यादा बना नहीं पाया। मुझे लगा ये एग्रो होकर मेरे पीछे आएगा बट स्टीव ये उस ब्रोंटो के पास जाके मर रहा है। भाई स्ट्राइक को क्या हो गया भाई, मुझे लगा ये ट्रैक मुझ पर एग्रो हो गया बट नहीं हुआ, ये काफ़ी बढ़िया बात है। मुझे लगा भाई ये ट्रैक अगर एग्रो हो गया तो भाई इसका बाप भाई सब माँ खाना सब आ जाएंगे आपके पीछे। सो आई थिंक ये अनकॉन्शियस होने वाला है। ओके सो गाइस देख सकते हो हमारा ईरी वुली राइनो हो चुका है अनकॉन्शियस। सो अभी क्या कहते हैं फटाफट से देखते हैं, और इसका लेवल है 135। मैंने ध्यान से खुद से लेवल मतलब मैंने खुद लेवल देखा नहीं था। सो इसका स्टैमिना काफ़ी 30 है, इतना भी अच्छा खास स्टैमिना नहीं गया बट स्टिल हमें स्टैमिना इसका डैमेज ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि भाई वुली राइनो का डैमेज गाय लिटरली बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हें पता नहीं उन्हें बताओ जी। तुम कभी वुली राइनो पकड़ के देखो भाई, मैंने पकड़ा है, मैंने ब्रूटल में वुली राइनो पकड़ा है, मुझे खुद पता है भाई क्योंकि हम रेड के लिए इस्तेमाल करते थे ना। मैं मतलब पहले एक शो में कहता जहाँ पे मैं रेड वगैरह करता था ना, तब मैं आर्क की वीडियो नहीं बनाता था क्योंकि मेरा फोन भाई इतना लैग लेता था आर्क में कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। सो बाद में मुझे सजेशन दिया था डीके भाई ने इसका, भाई आप आर्क की वीडियोस बना। सो मैं कहाँ पे था, हाँ मैं जो है वुली राइनो की बात कर रहा था। वुली राइनो काफ़ी तगड़े होते हैं, देख सकते हो 19 स्मूदिंग बम, देख रहे हो जली ना तुम लोगों की, मैं जानता हूँ तुम लोगों की अंदर से इतनी जल रही होगी ना कि मेरे पास 19 स्मूदिंग बम है। अगर स्टिल आपको पता नहीं कि स्मूदिंग बम की फार्मिंग कैसे करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दूँ कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ, मतलब बनाने ही वाला हो आप बताओ या ना बताओ, मैं खुद बना ही दूंगा, टेंशन मत लो। सो देख सकते मैंने मेटल की वॉल्ट वगैरह लगा दी है यहाँ पे, थोड़ी बहुत चीज़ें की है। सो काफ़ी ज़्यादा मैंने आर्क में प्रोग्रेस कर दिया है, मैं बहुत जल्द ग्रिफिन भी पकड़ने वाले हैं गाइस। इसके अंदर मुझे कैरेट की जरूरत है, इसके अंदर कैरेट नहीं है, इसके अंदर होगा
अगर स्कैनर कैरेट नहीं होगा तो मैं सोच रहा हूँ केबल से ही परचेस कर लूँ, मतलब केबल्स परचेस कर लूँ उसके लिए, क्योंकि भाई केबल्स की ज़रूरत पड़ती है मुझे यार, ऐसे हमेशा ज़रूरत पड़ती है केबल्स की, क्योंकि भाई एकदम तो परचेस नहीं करता, बट स्टिल आप अगर आर्क में फास्ट डायनो टेम करना चाहते हो तो भाई केबल परचेस कर लो। केबल से 25 एम्बर का पहले आता था 20 एम्बर का, बट अभी आ रहा है 25 एम्बर के, उन्होंने भाई रेट बढ़ा दिए मतलब केबल स्टेशन के, पहले आता था 20 एम्बर में और अब तो वॉच एड का भी अब नहीं है। सो मैंने जो जो एम्बर्स है ना वो गाइस मैंने इससे किससे कहते हैं भाई आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट मार मार के लिए, और मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको डूडोडेक्स में देख के आता हूँ इसको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं, मुझे लगता है इसको कौन सा केबल होगा मुझे पता नहीं। सो गाइस मैं देख के आ चुका हूँ इसके लिए कौन सा केबल चाहिए, यस गाइस मैं देख के आ चुका हूँ इसके लिए कौन सा केबल चाहिए। इसके लिए हमें चाहिएगा टेरर बर्ड का केबल, और मुझे लगता है मेरे पास टेरर बर्ड के अंडे तो नहीं है, सो मुझे लगता है मुझे केबल स्टेशन में परचेस करने पड़ेगी, मिक्सर जो है परचेस वगैरह करने पड़ेंगे। और मैं क्या करता हूँ गाइस अभी जो है अभी इसका सैडल अनलॉक करने की सोच रहा होगा, या फिर मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी कर देता हूँ सैडल अनलॉक, कि बाद में सीधा टेम करने के बाद इसको सैडल इक्विप करेंगे और सीधा इसको राइड करेंगे। आई हो इसका डैमेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लाइक हाई डैमेज वाले लाइनों को ज़्यादा ही पसंद है। ओके वूली रख दिया है इसको, 53 लेवल पे खोल सकता है, देख 53 लेवल पे खुल रहा है गाइस, सीधा सीधा बात करता हूँ 53 लेवल पे खुल रहा है, और मेरी जबान जो है गाइस थोड़ी बहुत फिसल रही है, पता नहीं क्यों आज मेरी जबान फिसल रही है। सो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे दो दो ब्रोंटो स्पॉन ले लिए, भाई ये कितने लेवल का है वैसे, अरे 60 लेवल का है चिंदी ब्रोंटो भाई, भाई एक शॉट का नहीं है मेरे, पता है ये एक शॉट का नहीं है, मेरा स्पाइन इसको एक फटके में मार देगा, इतनी ताकत है मेरे स्पाइनो में जानते हो। अभी फिलहाल तो सर्वर बॉस मेरा स्पाइनो ही है, और ये डोर बंद क्यों नहीं हो रहा मुझे पता नहीं गाइस, लगता है कुछ ग्लिच कर गया होगा। सो अभी क्या कहते हैं, अभी मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ इस चेस्ट में, देखो देखो इस चेस्ट में जो है ना कुछ दिखाता आप तुम लोगों को, ये चीज़ देखो और कैसे जल रही है वो मुझे बताओ, तुम्हारे जल रही होगी मैं जानता हूँ, देखो मैंने हर एक चीज़ कैसे संगवा के रखी है मैं जानता हूँ, अंदर से जली ना जली ना, वैसे ही मेरी भी जलती है जब मैं किसी को देखता हूँ, मेरे से ज़्यादा सामान हो उसके पास ऐसे जलती है। अगले वाले चेट दिखाता हूँ ना तुम सब लोगों को दिखाओ, असेंडेड के क्या मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आर्मर असेंडेड के, वरना बोलेंगे भाई नॉर्मल आर्मर, असेंडेड के आर्मर है मेरे पे। इसमें तो गाइस देख के तुम पागल ही हो जाओगे भाई, इसमें इतनी सब कुछ चीज़ें, गीगा के सैडल देखो, रेक्स के सैडल देखो, भाई मेरे पास सैडल्स की अब कमी नहीं है, इनमें से एक दो सैडल मैं एक सैडल बनाने की सोच रहा हूँ, बट अभी मैंने सोचा नहीं। और नीचे नीचे देखोगे मैं शॉर्ट गन्स देखो, पिस्तल देखो, और राइफल्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी है, और ये सो टी टेक केबल प्रोसेसर जो आई थिंक ब्रूड मदर के डंजन में आता जो मैंने ले लिया है। सो अभी क्या करते हैं, अभी इसमें देख सो शॉर्ट गन्स काफ़ी हाई डैमेज वाली तो नहीं है बट ठीक ठाक है, इतनी बुरी भी नहीं कहूँगा मैं। और अभी देख सकते कितना सारा माल पानी है तुम्हारे भाई के पास, बहुत ब्लू प्रिंट्स बहुत है, मैं कौन सा चलो 129 काफ़ी अच्छा है, बाकी कुछ खास नहीं लगती मुझे, मुझे लगता है मैं 129 का ही इक्विप करूँगा मेरे गीगा को, जब मैं पकड़ूंगा इनकेस फ्यूचर में जब मैं गीगा पकड़ूँ तो 129 का ही इक्विप करा दूँ, और काफ़ी ज़्यादा हाई आर्मरर की मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और आर्मरर भी इनका अच्छा खासा है 129 मतलब बहुत होता है गाइस, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे इतना होता है 129। मुझे सबसे पहले नार्कोटिक लेने दो, ओके मैंने नार्कोटिक ले लिया, और मुझे केबल टिचन यहाँ पे लगाने दो, ओके अभी इसके अंदर मिक्सेस बीसी है, मुझे मिक्सेस परचेस करने पड़ेंगे 20 एम्बर के, ओके 200 आ गए नाइस बढ़िया बात, मैंने 200 मिक्सेस परचेस कर लिया। अभी लास्ट से देखते हैं टेरर बट का कौन सा, इसमें ट्रैपेजा रखा है, उसके बाद ये टाइटन बोआ का है, थेरिजिनो का है, टेरर बट का मिल जाएगा देख सकते हो फोर्थ नंबर में, लास्ट से फोर्थ नंबर तुम्हें मिल जाएगा। सो ये मुझे मैं दो बार कितने 6 केबल ले लूँ, मुझे लगता है 6 में हो जाएगा यार, 6 की मुझे ज़रूरत है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं, स्टिल 6 में हो जाना चाहिए वरना भाई मुझे बेरिस देनी पड़ेगी, और मुझे लगता है आई होप हो जाए 6 में हो जाना चाहिए, मतलब मुझे भाई कैसा मतलब भाई बेरिस देने के बाद वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। सो अभी क्या कहते हैं भाई ये ब्रोंटो मेरे बेस के अंदर गलती से भी घुस गया ना, मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँगा कसम से कह रहा हूँ, मैं इसको पेल पाल दूंगा भाई, मेरे दिमाग की भुर्जी कर देगा। एक तो बेस के अंदर घुसते हैं ना भाई वो लोग क्या मतलब आगे उनको मारो ना तुम, मतलब वो पूछ मारता है ना तो वो आजू बाजू की चेस्ट वगैरह तोड़ देता है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो मैं क्या करूँ अब इसको, सबसे पहले मैं नार्कोटिक दे देता हूँ, और ओके 1 2 3 4 ओके काफ़ी ज़्यादा 4 तो खिला दिए मैंने, और मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर में मिलता हूँ जब इसको भूख लग जाएगी, जब इसको भूख लग जाएगी ना तब मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो इसको लगने वाली है भूख, मतलब इसको भूख लगने वाली है, और यहाँ पे अनकाइल देख सकते हो 35 लेवल का, और अभी क्या करते गाइस अभी दे देते हैं इसको कीबल्स, और आई होप 3 कीबल में हो जाए, मैंने इसको इसका सैलरी भी बना लिया देख सकते हो। अरे भाई साहब 1 कीबल में हो गया, व्हाट द हेक भाई ये 1 कीबल में कैसे हो गया, व्हाट भाई ये 1 कीबल में हो गया गाइस,
भाई मुझे लगा थे कम से कम 6 केबल तो आराम से खा लेगा, बट स्टिल ये 1 केबल में हो गया भाई साहब। मेरे 5 मैंने फोकट में इतने ज़्यादा केबल खरीद लिए यार, और कितने क्यूट दिख रहा है, मतलब क्यूट नहीं दिख रहा बट स्टिल मुझे लगता है ये क्यूट है। और इसका अभी का डैमेज चेक करती हूँ, ओके काफ़ी हद तक अच्छा डैमेज दे रहा है ओके का, जिसका इस पर छोटे मोटे दैनों पर इसका डैमेज हम टेस्ट नहीं करेंगे। मैं सोच रहा हूँ सामने जो हमारे ब्रॉन्ट है उस पर जाके हम उसे फाइट करें या ना करें, मैं सोच रहा हूँ करें। सबसे पहले स्ट्राइक को मारते हैं और थोड़ा बहुत लेवल अप कर लेते हैं। मार बेटी ओके, ये वुड थैच फाइबर कलेक्ट कर रहा है, मतलब ये मतलब वेट वगैरह कुछ कलेक्ट नहीं करने वाला, फिर दिखता हूँ क्या ही लैग ले रहा है। ओके अब इसका मैं स्टैमिना में पॉइंट डालूँ, इसका स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा टट्टी है गाइस इसका स्टैमिना। और इसका इमोट जो है ना काफ़ी क्यूट इमोट लगता है, जब ये लेट के जब लेट पे लोड पोड होता है तब भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। और अभी देखते हैं इस पे गाइस, इसका 5000 हेल्थ है और ये हमने मारना स्टार्ट किया। ओके काफ़ी बढ़िया डैमेज दे रहा है और ये काफ़ी खतरनाक लेवल का डैमेज दे रहा है ये गाइस, देख सकते हो 4000 3000 कर दी भाई 2-3 फटके में गाइस इसकी, 1000 हेल्थ खा रहा है 2 या 3 फटके में 1000 हेल्थ खा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका डैमेज है। और इस टैग को मरने क्यों आया, तेरे को मरने की ज़्यादा चुल पड़ेगा। ये देखो ये ब्रॉन्टो भागने लगेगा, ब्रॉन्टो भागने लग गया। अब इस टैग को तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस ब्रॉन्टो को मार देते पूरा भाई, क्या ही डैमेज इसका भाई, इसका डैमेज कसम से ओपी ओपी गाइस। अबे यार मैं ग्लिच कर गया, नहीं भाई मुझे लगा मैं ग्लिच कर गया, इस टैग मुझ पर चढ़ने वाला था। सो ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिख रहा है, इसके लुक देख लो एक बार का, ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है जब वूले राइनो का, क्या ही लग रहा है। और ये ट्यूबलाइट जैसा कलर नहीं बदलता काफ़ी, अभी वाटर का क्या आ गया, तो ये ट्यूबलाइट जैसा कलर नहीं बदलता, ये काफ़ी बढ़िया दिखता है, मतलब धीरे धीरे कलर बदलता है। ट्यूबलाइट मतलब कलर मतलब एकदम अचानक से कलर बदलता है जो काफ़ी ज़्यादा घटिया दिखता है। सो ये वुड थैच फाइबर और बेरीज कलेक्ट कर रहे हैं, बेरीज भी इतना ज़्यादा नहीं करता है कलेक्ट। सो अभी इसका मैं क्या बढ़ा, मैं सोच रहा हूँ इसका पॉइंट जो है डैमेज में डालूँ या फिर मैं हेल्थ में डाल देता हूँ, क्योंकि हेल्थ जिसकी मैं 4000 तो करने की सोच रहा हूँ, 4000-5000 तो करूँगा ही। और ये ईरी है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है हमारा फुली राइनो, सभी क्या कहते हैं अभी इसको बेस के अंदर ले जाते हैं, आई होप इस डोर से अंदर घुस जाए, मुझे लगता है इसमें से घुस जाएगा। और ये मोटा यहीं पे फंस गए तो ये इस गेट से नहीं घुसते, इसके लिए मुझे बीमत वो गेट से इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। सो अभी क्या करते हैं अभी इस गेट से अंदर घुसते हैं, ओके ये गेट खुल जा सिम सिम, ओके भाई खुल जा, ओके ये गेट भी खुल गया नाइस। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भेंडी क्या स्पीड है इसकी भाई, इसकी स्पीड गाइस कुछ ज़्यादा ही है, लिटरली कुछ ज़्यादा ही स्पीड है इसकी। अभी इसको इसकी जगह पर रख देते हैं। और मैं क्या सोच रहा हूँ आई थिंक आज के वीडियो के लिए नहीं गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई लोग।